हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम यू ऑल। और आज की इस क्लास में आपको एक बेहतरीन हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल ही ये चीज़ें सामने निकल करके आई है कि झारखंड सरकार के द्वारा दी जाने वाली वो सभी विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक के बाद के विद्यार्थी हैं, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस सेशन में जो लास्ट सेशन था इन लोगों का 2022-23 का जो सेशन था, उस सेशन में वो सारे विद्यार्थी नहीं भर पाए थे। तो उन विद्यार्थियों के लिए झारखंड सरकार ने ऑनलाइन करने का जो वेबसाइट पे लिंक है वो लिंक जारी करने का निर्णय ले लिया है। और इसके लिए विद्यार्थियों से ये मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए बेहतर मौका फिर से आ गया है, और इस मौके को वो जाने नहीं दें, क्योंकि 1 साल के बाद ये विद्यार्थियों के लिए आया था। एक आशा टूट गई थी कि इस बार झारखंड सरकार कल्याण विभाग जो है वो विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप देगी, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि यहीं पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो है चीज़ें झारखंड सरकार ने बता दी हैं। ठीक है, तो विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में बताया गया है, और ये तारीख जो है ये 20 तारीख को यानी कल की डेट में ये जारी हो चुका है, तो आप लोग विशेष ध्यान दें। चलिए, इसके बारे में क्या है, कितना कब डेट है, कब तक ये भरना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें, ये सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या नहीं है, ये सब देखना है। इसमें कहता है कि प्रवेश जो सारे विद्यार्थी जो भी अध्ययनरत हैं, इसमें ST SC OBC के सभी जो विद्यार्थी हैं, छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के लिए, देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है 2022-23, ठीक है, के लिए संबंधित सूचना दिया गया है। उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थियों की जो आय होगी है ना, वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उन लोगों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको ये बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, कैसे आवेदन फॉर्म भरना है, और विद्यार्थी अगर जो नहीं भर पा रहे हैं वो कहाँ से कैसे क्या करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, जो पिछले बार जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहे थे, जिस तरीके से, जैसे उनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए, कॉलेज का जो बोनाफाइड होता है वो चाहिए, है ना, और उनका जो लास्ट ईयर में कौन सही का क्लास में थे, उनका जो मार्कशीट है वो मार्कशीट चाहिए, और इसके साथ में उनकी जो आयु सीमा का तो कुछ है नहीं इसमें, कोई सीमा सीमा है ना विद्यार्थियों। और इस वक्त टाइम दिया गया, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब से कब तक जो है ये डेट दिया गया है, तो 21/2/2023 ये जो डेट देख पा रहे हैं, ये डेट पोर्टल खुलने की डेट है, इसमें कॉलेज अपना ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, 6/3/2023 तक है। ये क्या है कि शैक्षणिक संस्थान जो है, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके द्वारा एक कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन तिथि देंगे, यानी अपने अपना वो रजिस्ट्रेशन 21/2/2023 से लेकर के और 6/2/2023 तक वो करेंगे। विद्यार्थियों के लिए क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी 10/3/2023 से, 10 मार्च 2023 से लेकर के 17 मार्च 2023 तक, यानी फ्रेंड्स होली के ठीक बाद, ठीक है, 10/3/2023 से लेकर के 17/3/2023 तक का जो डेट है, आपको इसमें 1 सप्ताह का लगभग 8 दिन का समय है, और इस 8 दिन के समय में आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन करा देना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उसके बाद जो लिंक है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा पिछली कक्षाओं में भी आप लोग इस चीज़ को फेस किए होंगे, कि कई बार क्या होता है कि जो डेट है, यहाँ डेट जो आपका 17 तारीख तक दिया हुआ है, इस डेट को अगर आप मान के चलेंगे कि इतना तारीख तक भर देना है, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सब कुछ उनका सर्टिफिकेट सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वो लास्ट डेट तक का इंतज़ार करते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि वो लास्ट डेट का सोचते रहते हैं, और जब लास्ट डेट में वो फॉर्म भरने के लिए जब जाते हैं तो वेबसाइट जो है, वो जो लिंक है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, और स्लो हो जाने के कारण उनका फिर वो फॉर्म भरा नहीं पाता है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि 10 तारीख से आपका शुरू है, 10 मार्च से, तो 10 से 15 मार्च तक, ठीक है, कब से, 10 से 15 मार्च तक आप क्या करें, आप अपना फॉर्म भर लें।
अदरवाइज क्या होगा, पिछले लास्ट के 2 से 3 दिनों में जो वेबसाइट होता है वो बिल्कुल स्लो पड़ जाता है, और उस समय में ना आपका फोटो अपलोड होगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, और विद्यार्थियों का फिर जो फॉर्म होता है वो फंस जाता है। इसलिए आप वो चीज़ें वो समय नहीं आने दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आपका डेटा, और आप ये देख रहे थे डेट आ गया है। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आ गया है विद्यार्थियों के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ये अपील है कि वो देर ना करें, झारखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली जो स्कॉलरशिप की राशि है उसका लाभ लें, ताकि उनको अपने स्टडी में, अपने अध्ययन में वो राशि मददगार हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।